आपका नाम? सतीश मिश्रा। अच्छा, ये जो छठ पूजा आप लोग मनाने जा रहे हैं जी, इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी दीजिए। ये दार्जिलिंग पर्वतीय भोजपुरी मंच की तरफ से ये जिडनेस मैदान, बड़ी ठाकुरबाड़ी मंदिर और दीर्धाम मंदिर में छठ पूजा का आयोजन होने जा रहा है। इस बार ये COVID-19 कोरोना बीमारी के कारण हम लोग इस बार सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सभी को 2 गज दूरी पर बैठने के लिए अलग से उसके लिए स्थान बना रहे हैं, जिसे कोई आदमी किसी से भीड़ भाड़ ना हो। और उसके अलावा जो व्रती है, जो सिर्फ व्रत कर रहे हैं, उन्हीं को बैठने का यहाँ पर अलाउ है। और लोगों का उनके चाहे उनके घर के सगे संबंधी हो चाहे जो भी हो, उनको अलाउ नहीं है यहाँ छठ घाट पर बैठने के लिए। अच्छा, जो बच्चे लोग आते थे पहले वो छठ पूजा में जी, इस बार उन लोगों के लिए है तो छठ घाट में आए बाहर से ही प्रणाम कर कर चले जाएंगे, उनको बैठने का किसी को इस बार अलाउ नहीं किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया? प्रशासन की तरफ से भी इसी तरह से इंस्ट्रक्शन है, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, भीड़ भाड़ नहीं करना है, हाँ, और पड़ाका जो पहले उड़ता था वो सब नहीं करना है। वो सब हम लोग यहाँ पर मेंटेन करा रहे हैं। सभी जितने भी व्रती हैं उन लोगों को हम लोग लिखित रूप में दिए हैं, जो आप लोग इस बार ये कोरोना के बीमारी के कारण इन सभी नियमों का, बंगाल का जो भी सरकार के द्वारा नियम पारित किया गया उसको पालन करना है। अगर जो नहीं पालन करेंगे उनको यहाँ अलाउ नहीं है, एकदम अच्छा अनिवार्य रूप से नियम पालन करना जरूरी है। अच्छा, जो मतलब आप लोग ये जो व्यवस्था कर रहे हैं जी, इसके लिए खर्च का कमेटी कर रही है आप लोगों ने कोई जी? ये हम लोग का छठ पूजा कमेटी है जो दार्जिलिंग पर्वतीय भोजपुरी युवा मंच के तरफ से था, इसमें इसी कमेटी के द्वारा ही ये सारा वहन किया जा रहा है। इसमें जितने मेंबर है वो और उन लोग अपने द्वारा यहाँ पर दान देते हैं, उन्हीं के दान के द्वारा ये सब। हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि आप लोग एक टोकन इशू कर रहे हैं जी, जी तो कितने लोगों का बैठने का व्यवस्था और कितने लोगों ने अप्लाई किया? ये तीनों जगह मिलाकर हम लोग का अभी 300 आदमी हुआ है, मतलब उन्हीं लोग के ले रहा हूँ, क्योंकि पहले हम लोग के 1000 के करीब आदमी यहाँ देते बैठते थे घर, लेकिन इस बार हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के कारण उतना तो मेंटेन नहीं होगा, इसलिए हम लोग पहले ही बता चुके, इसीलिए टोकन इशू किए थे, जो पहले बुक करेंगे उन्हीं को बैठने के मिलेगा। तो अभी तक हम लोग का 300 आदमी फुल हो गया है, अब इसके बाद हम लोग टोकन बंद कर दिए। और कुछ एक्स्ट्रा जो आते हैं उनके लिए आप लोग क्या सोच रखते हैं? उनके लिए वही है, हम लोग के आसपास किसी के घर पर जो छत है उनको वहाँ अलाउ किए हैं, 2-3 जगह हम लोग देखे, उस छत पर जाकर उन लोग के घर के छत पर जाकर कर सकते हैं। वैसे दार्जिलिंग में कितने छत व्रती लोग व्रत करते हैं? हम यहाँ पर तो प्राय हर एक साल 1000 के करीब हैं घर, मतलब करने वाले, और उसके साथ और आदमी तो आते ही थे हर एक साल, लेकिन इस बार अब वो उतना रौनक तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अब घर के लोगों को अलाउ नहीं है, तो जो व्रती हैं वही ज़्यादा आएंगे, उनके साथ जो ढाकी लेकर आएंगे वो आएंगे, वो ढाकी रख कर उसके बाद वो प्रणाम कर कर बाहर निकल जाएंगे घाट से, फिर जब पूजा खत्म होगा तो आकर वो अपना ढाकी ले जा सकते हैं। जी।